भारतीय रेल की विकास यात्रा का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी पुनः यात्रा की जा सकती है राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में भारतीय रेल से जुड़ी सभी पुरानी और सुनहरी यादें मौजूद हैं। लगभग 10 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का बाहरी परिसर आकर्षण का केंद्र है, जहां विभिन्न प्रकार के प्राचीन रेल इंजन, रेल कोच, वैगन आदि को प्रदर्शित किया गया है, जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहां सन 1907 में निर्मित एक अनोखा मोनो रेल इंजन भी रखा गया है, जिसकी विशेषता ये है कि इसका एक पहिया पटरी पर और दूसरा पहिया सड़क पर चलता था। दूर से देखने पर ये एक पहिये वाली ट्रेन दिखाई देती है। यहाँ एक सबसे छोटा रेल इंजन भी मौजूद है, जो बेहद रोचक है, जिसे संचालित किया जाता है और ये पूरा एक चक्कर भी लगाता है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। संग्रहालय में मौजूद जॉन मॉरिस फायर इंजन भी महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है, जिसने हाल ही में 56वीं स्टेट्समैन विंटेज एंड क्लासिक कार रैली में भाग लिया और ट्रॉफी जीती। ये दुनिया का एकमात्र वाहन है जो मूल श्रूसबरी और चैलेंजर सॉलिड टायर से सुसज्जित है और अभी भी इसके फायर इक्विपमेंट के सभी ओरिजिनल पार्ट्स बरकरार हैं। सन 1914 में जॉन मॉरिस एंड सन्स द्वारा निर्मित इस इंजन को हैदराबाद निजाम ने अग्निशमन दस्ते के लिए खरीदा था। यहाँ एक अद्भुत एवं अनोखी टॉय ट्रेन की सवारी भी की जा सकती है, जो संग्रहालय का पूरा चक्कर लगाती है, जिसकी सवारी के दौरान रास्ते में पड़ने वाले संग्रहालय के छोटे स्टेशन एवं अन्य रेलगाड़ी के दृश्य इत्यादि बहुत ही मनमोहक होते हैं। यहाँ बहुत सारी हमने ट्रेन देखी पुराने जमाने की, अच्छी थी बहुत, हमें अच्छा लगा बहुत। हम यहाँ टूर पे निकले थे, बहुत बढ़िया लगा। वही संग्रहालय के अंदर भारतीय रेल के इतिहास, क्रमिक विकास और वैभव को दर्शाने वाले अनेक फोटोग्राफ प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही अनेक प्रकार के रेल इंजन, रेल कोच, वैगन आदि के मॉडल्स को प्रदर्शित किया गया है। इस रेल संग्रहालय के दफ्तर को भी एक ट्रेन के पुराने कोच से बनाया गया है, जहां यहां का प्रशासनिक विभाग कार्य कर रहा है। हाल ही में यहां एक ऐसी पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शित की गई पेंटिंग फुट आर्टिस्ट उत्तम भारद्वाज द्वारा बनाई गई थी। उत्तम भारद्वाज जी ने अपने पैरों से भारतीय रेल से जुड़ी ये खूबसूरत और अद्भुत पेंटिंग्स बनाई थी। उनकी इस कलात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय रेल संग्रहालय ने उन्हें एक मंच प्रदान किया और उनका प्रोत्साहन किया। रेल संग्रहालय दिव्यांग और अंडर प्रिविलेज बच्चों का भी प्रोत्साहन करता है, उन्हें आमंत्रित करता है और उन्हें संग्रहालय का विजिट करवाने के साथ उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसका वो आनंद लेते हैं। भारतीय रेल के इतिहास को संजोए ये रेल संग्रहालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो रेल इतिहास को रोचक तरीके से जानने का एक शानदार मंच प्रदान करता है।